नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले, गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका हंडू है, आपकी दिदा अश्विन कशिर जान के पांचवे एपिसोड में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। शमीमा देव आजाद जी का गाया हुआ जन्नत कश्मीर, तू हूर है पुरनूर है तेरी सादगी पे गुरूर है। इसी तरह हमें भी फख्र है, गुरूर है अपने कश्मीरी बच्चों पे, अपने आगे की आने वाली नस्लों पर। और उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ेंगे दो बहुत प्यारे बच्चे। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है अश्विन कशुरजान, मेरे दिल के बहुत करीब है। इन आगे की नस्लों को प्यार और मोहब्बत से सींचने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है, बहुत जज्बाती इनिशिएटिव है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हमारे साथ जो दो छोटे मेहमान जुड़ेंगे उनके नाम हैं लुनाशा साधु, जो जुड़ेंगी हमारे साथ चंडीगढ़ से, और मुसद शॉ, जो जुड़ेंगे हमारे साथ श्रीनगर से। और आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम लाइव है, इसमें भूल चूक की मुझे माफ़ी दें, क्योंकि एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसकी मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। सुनने वालों को बता दूं कि आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे एक गेस्ट आज आखिर में, और आपका थोड़ा सा हम एंटरटेनमेंट भी कराने की कोशिश करते हैं। अब बिना वक्त जाया किए हुए आपकी भरपूर तालियों के बीच, जो आप अपने घरों में बैठ के बजाएंगे, दुआएं दीजिए हमारे इन दो बच्चों को जिनको मैं अभी ऐड करने वाली हूँ। मुझे 5 सेकेंड का वक्त दें। हमने एक बच्ची को भेज दी है रिक्वेस्ट, और अब दूसरी बच्ची को भेजते हैं। जी बेटा, एक्सेप्ट करें। आदाब मुसर, आदाब दीदा, कैसे हो? मैं एक ठीक सेकेंड, हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, थैंक यू। एक सेकेंड, हम जरा देखें हमारी लुनाशा ऐड क्यों नहीं हो रही। एम टेक्नोलॉजी टूल में तोस। ओके लुनाशा, बेटा एक्सेप्ट कीजिए, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। वेट करते हैं हम लुनाशा का, एक सेकेंड ऐड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। मैंने भेजी है लुनाशा को रिक्वेस्ट इस सेशन में जुड़ने के लिए, तो अब हम वेट कर रहे हैं। क्या बात है मुसद, ये पीछे क्रिविल के पर्दे हैं ना, जी कश्मीरी पर्दे हैं, मेरे घर में भी हैं ऐसे। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं ऐड होते? एक सेकेंड बेटा, मैं इनको भेज रही हूँ रिक्वेस्ट, ये ज्वाइन ही नहीं कर रहे। ये तो नहीं नाराज हो गई हमसे? नहीं, नहीं, फिर क्यों नहीं आ रही है ये? एक सेकेंड, नमस्कार दीदा। नमस्ते। बड़े इंतजार के बाद चलो देर से ही सही आ तो गई। कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ दीदा। ठीक हो? चलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जान का मतलब क्या होता है? जान पहचान। तो जान पहचान, तो तब तक जान पहचान नहीं हो पाएगी जब तक हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन न ले लें, है ना मुसर? है ना,
ठीक है चलो हम शुरू करते हैं लुनाशा के साथ। हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए बेटा। मेरा नाम लुनाशा है, मैं फोर्थ क्लास में अभी आई हूँ। और मेरी हॉबीज है, मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं साइकिलिंग करती हूँ, मुझे स्विमिंग अच्छा लगता है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और मेरे पास पेट्स भी आए हैं और मैं उनका ख्याल रखती हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे वो बहुत क्यूट भी लगते हैं। वेरी नाइस, आप भी बहुत क्यूट हो। ओके, अब हम आते हैं मुसद पे। मुसद बेटा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम मुसद शाह फ्रॉम कश्मीर। मैं 8 साल का हूँ और फोर्थ जमात में पढ़ता हूँ। मेरी हॉबीज स्केटिंग, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, स्टोरी बुक्स पढ़ना और बारिश में कूदना बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। मैं सुनने वालों को बता दूं, ये जो दोनों बच्चे हैं वैसे तो ये थोड़े शैतान भी हैं, जहीन भी बहुत हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। जरा हंस के दिखाओ दोनों बच्चे। मुझे इनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा हमें अपने बारे में बताने के लिए। हम शुरू करते हैं मुसद के साथ, क्योंकि मुसद ने कहा कि उनको स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है। तो मैं चाहूंगी मुसद हमें कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाए, जिसका एक अच्छा कोई मॉरल, कोई एक अच्छी मैसेज हो। ठीक है? जी दीदा, ठीक है बेटा, सुनाइए। द लिंपिंग हॉर्स। ओके। एक दिन एक अमीर आदमी के पास एक नया घोड़ा था। कुछ ही दिनों के बाद उस घोड़े ने लिंप करना स्टार्ट कर दिया। उस आदमी ने सारे डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन कोई काम ना कर पाए। आखिर में उस आदमी ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने उससे कहा, मसला क्या है? आदमी ने उससे कहा, मसला यह है कि मेरा घोड़ा लिंप करता है। बीरबल ने उससे सोच के कहा, इस घोड़े के पास एक ट्रेनर है? जी, कहा आदमी ने। फिर क्या ट्रेनर भी लिंप करता है? जी, कहा उस आदमी ने। उसने बोला, फिर तो मुझे मसला का हल मिल गया है। ये अपनी ट्रेनर की कॉपी करना चाहता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी ऑल टेंड टू बी लाइक द वन वी एडमायर द मोस्ट। थैंक राइट, थैंक यू, नाइस स्टोरी। तो यू। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी आवर ओन पीपल। हमें अपना इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन नकल करना अच्छी बात नहीं है ना? यही मतलब है ना? ठीक है, नाइस स्टोरी, थैंक यू मुसर। सो अब हम आते हैं लुनाशा पे। लुनाशा को बहुत कुछ अच्छा लगता है, व्लॉगिंग उससे अभी करवा नहीं सकते, डांस नहीं करवा सकते, हम लाइव हैं। तो हम उनकी पेंटिंग्स के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जो उनको ड्राइंग का बहुत शौक है ना? यस। कुछ बताइए बेटा। सबसे पहले ये मेरा एक ड्राइंग है, इसपे यहाँ पे मैंने 2 पहाड़ बनाए हैं, 2 पहाड़ बनाए हैं। इसपे एक तरफ है कि लोग पहाड़ों पर खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पर दूसरी तरफ है कि लोग पेड़ काट रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पे मैंने मैसेज देने की ये कोशिश की है कि हमें ट्रीज कभी काटनी नहीं चाहिए। अगर ट्रीज काटेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। सेव ट्रीज, सेव लाइफ। वेरी नाइस, सच अ गुड मैसेज, क्या बात है। तो आपको सिर्फ ड्रॉ करने का शौक नहीं है, आप ड्रॉ करके ये भी बताने की कोशिश करती हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस। मैं आपको बताऊं, मुझे पर्सनली वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, जिनको नेचर की कदर है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत टाइम तक लॉकडाउन रहा है ना, लॉकडाउन रहा, स्कूल आपके बंद रहे है ना, तो लॉकडाउन के दौरान जो है मैंने सुना बहुत बच्चों ने पेंटिंग्स की, बहुत बच्चों ने गाना गाना सीखा है ना, बहुत कुछ कुछ बच्चों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मैं सुनना चाहूंगी मुसद से, क्योंकि वहां काफी लंबा लॉकडाउन था श्रीनगर में, तो बेटा आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया मुसद? मैंने पेड़ उगाए। पेड़ उगाए, क्या बात है, दिखा ये थोड़ा सा ऊपर करो आप। वेरी नाइस, क्या बात है, ये टमाटर की सीड है।
अरे वाह, टमाटर के सीड्स हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए कितना अच्छा काम इन्होंने किया है। ये भी नेचर से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो नेचर प्रिजर्व करने की आई कोशिश लव करते नेचर। हैं। यू लव नेचर, ओ माई गॉड, आई लव दैट थॉट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। रख दीजिए बेटा, रख दीजिए। और भी आपने, इसके अलावा भी आपने और प्लांट्स उगाए हैं? जी हाँ, मेरी उसके अलावा गोल्ड, भी और क्या क्या? मेरी गोल्ड मैरी गोल्ड, वेरी नाइस। इसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं पता है आपको? बटपोश बटपोश, जाफिर पोश जाफर। बोलते हैं, जाफिर पोश बोलते हैं। बटपोश शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि जो बट होते हैं पंडित, वो इसको अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, है ना? जी आपने भी देखा होगा, लुनाशा देखा आपने, जब हम पूजा करते हैं उसमें मैरीगोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस, बहुत प्यारे। देखिए आप इतने छोटे से ही हैं, मैसेज देते हैं, एनिमल्स को प्यार करते हैं, नेचर की कदर करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, इन दोनों बच्चों के घर में ग्रैंड मदर्स हैं, है ना? दोनों के घर में ग्रैंड मदर्स है ना, सो दैट्स अनदर कॉमन फैक्टर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, लुनाशा और मुसद को जो है, इनको भी हमने ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर घोषित कर दिया है ना? क्योंकि लुनाशा जो है वो सिंगल चाइल्ड है, और जो मुसद है उनके एक छोटे से भाई है, बहन कोई नहीं है ना मुसद, जी है ना? तो ये अब ऑनलाइन, ये भी हमारा एक, और पहले भी हमारे थे अलीम और नमिश, उनको भी हमने ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर घोषित कर दिया था, और हमारी एक और ब्रदर सिस्टर, कश्मीरी ब्रदर सिस्टर वाली जोड़ी है, वेरी नाइस। मैं आई टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मदर्स, तो मैंने आपको पिछली बार भी, सुनने वालों को बता दूं, मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था कि ये बच्चे अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, इनको समझ में भी नहीं आता कि वो कितनी गहरी बातें होती हैं। और ये प्रोग्राम आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले मेरी इन बच्चों से काफी बातचीत होती है, जिसके दौरान मैं इनके इंटरेस्ट जानने की कोशिश करती हूँ, इनको समझने की कोशिश करती हूँ। तो लुनाशा बैठी थी अपनी दादी जी के साथ, और मैंने इनसे बोला कि, और इन्होंने मुझे कहा कि इनमें, इनका अभी भी कश्मीर में घर है ना? तो मैंने पूछा कहाँ पर है, तो उसमें इनको थोड़ा कंफ्यूजन था। तो ये उठकर अपनी दादी जी के पास गई, कहती रुको मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। इन्होंने कहा बड़ी माँ हमारा घर कहाँ है ना, ऐसे ही पूछा था ना। तो मुझे इनकी ये बात बहुत मासूम लगी थी, आपको शायद लग रहा हो तो इसमें क्या है, कैसे पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, इन्होंने अपने कश्मीर में जो इनका घर था उसके लिए ये नहीं बोला कश्मीर में हमारा घर कहाँ है, इन्होंने पूछा कि हमारा घर कहाँ है। मुझसे भी अगर कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो मैं उनसे कहती हूँ मेरी रिहाइश जरूर दिल्ली NCR में है, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन घर मेरा कश्मीर में है। तो बहुत मुझे बड़ी छू गई इनकी ये बात, और आई एम श्योर इनको समझ में भी नहीं आया कि ये कितनी गहरी बात थी। चलिए, हम दादी दादियों की बात कर रहे थे, ग्रैंड मदर्स की बात कर रहे थे, तो मुसद की भी ग्रैंड मदर है ना? मुसद आपकी भी ग्रैंड मदर है ना? तो बेटा, कभी आपको अपनी दादी जी ने कोई अपनी बचपन की कोई स्टोरी सुनाई है उनके पंडित फ्रेंड्स के साथ, या जी सुनाई है ऐसी कोई स्टोरी, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी क्यों नहीं, ठीक है, बोलिए बेटा। मैं स्टार्ट करूं। जी, प्लीज। मेरी दादी हिंदू हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके उनके बहुत सारे कश्मीरी फ्रेंड्स, कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स थे, बटकोर। बट गोइंग, ओके। मेरी दादी उनके घर हेरत पर जाती थी, और वो मेरे घर, मेरी दादी के घर ईद पर आते थे। मेरी दादी को उनके घर हेरत पर हेरत खर्च मिलता था। उनको मेरे दादी के घर ईद पर ईद ईदी मिलती थी। जी, मेरी दादी को उनके घर हेरत पर गीले अखरोट भी मिलते थे। एक दिन मेरी दादी ने अपनी दोस्त से कहा, और गीला अखरोट चाहिए। फिर उस दोस्त की दादी के रूम से चुपके से निकाले गीले अखरोट और स्कूल में खाए। वेरी नाइस स्टोरी।
जो ये सच्ची बात है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हेरथ, हिंदी में कहते हैं शिवरात्रि, जो अभी गया है उस पे हम गीले अखरोट खाते हैं, और जो हमारे कश्मीरी मुसलमान फ्रेंड्स होते थे या जो हमारे पड़ोसी होते थे तो उनको भी हम वो तुबरुक के तौर पे जो है या प्रसाद जिसे कहते हैं उसमें गीले अखरोट देते बिल्कुल थे। और हेरथ खर्च, जैसे हेरथ खर्च इन्होंने बोला उस पे हेरथ के अगले दिन जिसको सलाम कहते हैं उस पे हमें पैसे मिलते हैं, तो मुसद की जो दादी जी हैं उनको अपने पंडित फ्रेंड्स के घरों में हेरथ खर्च मिलता था, और जब इनके घर में जब ईद होती थी तो जो उनकी पंडित फ्रेंड्स हैं उनको वहां ईदी मिलती थी। देखिए कितना खूबसूरत कल्चर था हमारा है, और हम कोशिश करेंगे कि ये वापस आए, वो खुशियां वो कम्युनल हार्मनी जैसे हम एक साथ रहते थे वो वापस आए। बहुत अच्छी कहानी बेटा, थैंक यू वेरी मच। हम आते हैं लुनाशा पे। अब लुनाशा ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनको जो है वीलॉगिंग बहुत पसंद है, और मुझे इन्होंने, अच्छा मैं आपको सुनने वालों को ये बता दूं, द किड्स दैट आर देयर इन द फ्रेम राइट नाउ दे आर क्वाइट वेल ट्रेवल्ड पीपल, आप इनको हल्के में मत ले, ये बहुत ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। लुनाशा भी ट्रैवल करना पसंद करती हैं, जो हमारे मुसद हैं वो भी बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, वो दुबई इटली और बाकी इंडिया में बाकी बहुत जगह गए हैं, लेकिन इन दोनों से मैंने पूछा था कि आप लोग इतना ट्रैवल करते हैं आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, कौन सी अच्छी लगती है जगह मुझे कश्मीर बहुत पसंद आया। मुसद मुझे तो कश्मीर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। है ना। मुसद ने मुझे बताया, मैंने एक दफा इनसे पूछा, मैंने कहा कि क्यों कश्मीर क्यों, आप तो बाहर भी गए हो बाहर की कंट्रीज में, वो कहते वहां खेल नहीं सकते हम, घर में हमारे बाग है। मैंने कहा अच्छा, मतलब इटली में बाग नहीं है, हम ये समझ रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेट अस कम बैक टू लुनाशा। लुनाशा बेटा अपना वीलॉगिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है कश्मीर के ट्रिप को लेकर हमें बताइए, आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया और कैसा लगा आपको वहां जाके। सबसे पहले हम एक मंदिर गए थे, वो एक माता का मंदिर था। वहां पे हमने 300 स्टेयर्स चढ़ी थी और वहां पे हमने बहुत सारे मंदिर थे, वहां पे हमने बहुत मजे किए थे। और वहां मैंने बहुत एक वीडियो बनाई थी, बहुत क्यूट थी वो। उसमें मैंने लाइव दर्शन भी करवाए थे और वो और कहाँ मतलब। कहाँ गए थे। और मैं अश्वगाम गई थी, मैं गुलमर्ग गई थी, मैं टनमर्ग गई थी, मैं डल लेक गई थी और भी बहुत जगह गई थी मैं। क्या बात है, तो अच्छा लगा आपको कश्मीर में, अच्छा ही लगा होगा जाहिर है जब आप कह रही हो कि हम मैं इतनी जगह घूमी हूं लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत जो है कश्मीर लगता है ना, और कश्मीर ही हम सबका असली घर है। बहुत अच्छी बात। अच्छा मुझसे एक बात बताओ, अब आपको पता है ना कि लुनाशा जो है वो कश्मीर में पैदा नहीं हुई, वहां रहती नहीं है, बीच बीच में कभी आती है, आपको कोई सवाल है लुनाशा के लिए, कुछ पूछना चाहोगे उनसे। जी लुनाशा, आप कश्मीर आना चाहती हो? जरूर, मौका वहां रहना चाहोगी, मिले तो मौका मिले तो रहोगे। देखो मैं मैंने आपसे कहा ना इन दोनों बच्चों की मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस, ठीक है, तो रहना चाहोगी, ऑब्वियसली हमारा घर है वहां, क्यों नहीं रहना चाहेंगे, और इनका तो अभी घर है वहां पे है ना बेटा, लुनाशा आपका तो घर है, कोई बात जी नहीं कोई बात नहीं, उसको हम फिर से नया कर देंगे, ठीक है। तो दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे, वहाँ पे ऑर्चिड्स हैं, ऑर्चर्ड्स देखो है, यार वो देखो यार काफी, वो वो कम काफी, है, वो कम है, वो कम है क्या वो कम है क्या ऑर्चिड्स। ठीक ऑर्चर्ड्स। है ठीक है, चलिए अब हम चलिए बात अब हम करते बात हैं करते हैं कश्मीरी कश्मीरी ट्रेडिशंस की, ट्रेडिशंस की। ठीक है, ठीक आप है, दोनों आप बच्चों को दोनों पता बच्चों को है पता है कि आप कि लोग जो आप हैं लोग जो हैं आप आप कश्मीरी पंडित कश्मीरी हैं पंडित और हैं मुसद जो और हैं मुसद जो कश्मीरी हैं कश्मीरी मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, है ना, आप है ना, लोगों के जो आप कल्चर लोगों के जो है कल्चर है वो थोड़ा सा आपकी थोड़ा सा ट्रेडिशन आपकी से जो ट्रेडिशन अलग है जो अलग है तो उसके बारे में उसके हम बात बारे में हम करें, बात करें, ठीक है, तो ठीक है, हम तो हम शुरुआत करते शुरुआत हैं नाशा करते हैं से, नाशा से। ठीक है, ठीक मैं है आपको बेटा नवरे बताइए, के ठीक है बारे बेटा में बताइए, तो मैं आपको नवरे के बारे में बताऊंगी। किसके नवरे बारे में किसके बताओगे, बारे में बताओगे? नवरे नवरे के बारे में, नवरे के ओके, बारे में नवरे हमारा एक बहुत एक जब हमारे कश्मीरी जो न्यू ईयर का है वो फर्स्ट डे होता है नवरे हमारे कश्मीरी कैलेंडर में। जब हमारा नया साल आता है उसका फर्स्ट डे होता है, उस दिन हम एक थाली में कुछ आप रोटी एक सेकेंड रुक,
एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक पता जाइए, नहीं पता आवाज नहीं में आवाज एको में आ रहा है, एको आ रहा है, आई डोंट नो आई व्हाई, डोंट नो व्हाई। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। हाँ 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 उस दिन हम एक थाल में एक रोटी, एक कप दही, कुछ मिश्री और नमक, और हम फूल, हैंकी, एक पेन, और हम एक चावल रखते हैं, चांदी का सिक्का रखते हैं, और सुबह उठ के उसको पहली चीज के रूप में देखते हैं, और जो उसमें पैसे होते हैं वो हम जो सबको दिखाते हैं, जब सब ऐसे ऐसे करते हैं थाल को पकड़ के देखते हैं उसमें, और उसके बाद जो पैसे होते हैं वो फर्स्ट सबसे पहले उठने वाले बंदे को मिल जाते हैं। वेरी गुड। सो वेरी आपने गुड। सो हमें किस आपने बारे हमें में किस बारे बताया? में बताया? नवरे के बारे नवरे में, के जो बारे में, कश्मीरी जो पंडित्स कश्मीरी का पंडित्स का न्यू न्यू ईयर माना न्यू ईयर जाता है। माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके ग्रेट। ओके तो अब ग्रेट। हम आते तो हैं अब हम मुसद आते पे। हैं मुसद पे। मुसद, आप मुसद, अपनी किसी आप अपने ट्रेडिशन किसी के बारे ट्रेडिशन में के बात बारे में कीजिए। बात कीजिए। विविधता, हाँ जी, हाँ जी, कश्मीर के कश्मीर मुसलमान के मुसलमान घरानों में घरानों में आमतौर पर अपना आमतौर पर किराम के अपना दिन किराम के मनाते दिन हैं, मनाते हैं। मसलन, त्रयुम, मसलन, कयुम त्रयुम, और कहुम। और कहुम। जी हमारे घर में जी कहुम मनाते कहुम हैं, मनाते हैं, जिसको जिसको दस्तगीर चाय का दस्तगीर दिन चाय का दिन मानते हैं। मानते हैं। हमारे घर बहुत हमारे सारे घर बहुत पीर साहिबान पीर आते हैं, साहिबान आते हैं, हमारे हमारे के घर के मर्द अफराद मर्द अफराद बैठ उनके साथ बैठ साथ के बैठ के जी 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 बोलते रहिए बेटा, बोलते अपने रहिए बेटा, सबूत पढ़ते अपने सबूत हैं। पढ़ते हैं। फिर बाद में फिर हम सब बाद में लोग हम सब एक लोग इकट्ठे खाना इकट्ठे खाते हैं। खाना खाते हैं। वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस, अच्छे। बहुत अच्छे। मुझे समझ मुझे नहीं आ रहा समझ नहीं कि आ रहा कि ये एको क्यों हो रही एको है। क्यों हो रही है। आप लोगों को भी आप एक लोगों को दूसरे भी की एक आवाज दूसरे की एको आवाज होके आ रही एको है? होके आ रही है? नहीं, मेरी आवाज मेरी एको हो रही आवाज है? एको हो रही है? जी नहीं, जी मेरी आवाज मेरी मुझे आवाज वापस मुझे सुनाई वापस दे रही है। सुनाई दे रही है। मुझे एक मुझे सेकंड का एक वक्त दे सेकंड का बेटा, वक्त दे एक बेटा, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। पता नहीं मुझे अपनी नहीं मुझे आवाज अपनी आवाज क्यों आ क्यों रही। आ रही है। आप लुना से आप आप कुछ लुना से आप बोलो। कुछ बोलो। हेलो, हेलो हेलो, हाँ आपकी नहीं आ रही। आपकी मुसद नहीं आ आप रही। बोलो। मुसद हाँ आप बोलो। हेलो हेलो, आपकी भी नहीं आ रही। आपकी भी नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, चलो, मतलब चलो, आपको मेरी मतलब आवाज आपको ठीक मेरी से आवाज सुनाई दे ठीक रही से है? सुनाई दे रही है? यस यस ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। चलो एक काम, चलो अब एक काम, हमने अब ट्रेडिशंस हमने के बारे ट्रेडिशंस में के बात बारे कर में ली, बात कर ली। अब हम आते अब हम हैं आते अपने हैं अपने सेगमेंट सेगमेंट सिर्फ कशुर सिर्फ पर। कशुर पर, ठीक है, ठीक है, जिसमें जो जिसमें जो हमने हमने कुछ हफ्ते कुछ पहले हफ्ते शुरू पहले किया शुरू था, किया था, इसमें हम इसमें कोशिश हम करते कोशिश हैं करते हैं अपनी अपनी कश्मीरी जबान कश्मीरी को जबान वो को इज्जत वो बख्शने इज्जत की, बख्शने जिसके की वो बहुत जिसके वो बहुत काबिल बहुत है। बहुत काबिल ठीक है। है, ठीक है, तो या तो तो मुझे या तो बच्चे मुझे इसमें बच्चे कुछ इसमें कश्मीरी में कुछ कश्मीरी सुनाते में हैं, सुनाते हैं, कुछ या मेरे कुछ को या राइम मेरे को सुनाते राइम हैं या सुनाते मेरे हैं या साथ मेरे बातचीत साथ करते हैं। बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम तो शुरुआत हम करते शुरुआत हैं करते हैं लुनाशा के साथ। लुनाशा के साथ। ठीक है, ठीक है, लुनाशा क्या करें लुनाशा हम क्या सिर्फ करें हम कशुर सिर्फ सेगमेंट कशुर में? सेगमेंट में हम ऐसे कश्मीर में बात कर ले। अरे वाह क्या अरे वाह बात है। क्या बात है। ठीक है ठीक लुनाशा, है लुनाशा, सकाचक रोजान। सकाचक रोजान, बिचिस रोजान, चंडीगढ़ मंथ, सची खेंचन सची खोश खेंचन करा, खोश करा, आंसा क्या ची करान क्या ची खोश। करान खोश, जामन, मटर पनीर, सचे चाम नहीं है सचे चाम खोश नहीं है करान, खोश करान, चुनची चुनची ना खोश ना करान, खोश करान, माज फल है ना। मांस फल है ना, नहीं नहीं, ठीक है, तो ठीक है, स्कूल छक तो स्कूल गसान, छक गसान, इम्तिहान मोकले, इम्तिहान मोकले, हाँ आंसा, कम कम क्लासुक इम्तिहान क्लास के दतुत, इम्तिहान दे, थर्ड थर्ड क्लास का थर्ड इम्तिहान। क्लास वेरी का नाइस, इम्तिहान, चलो वेरी भाई, नाइस, मतलब चलो भी, कश्मीरी मतलब समझ भी कश्मीरी आती है समझ भी बोलनी भी आती है आती है। बोलनी भी आती है, ठीक है, ठीक है, ओके चलिए, ओके, हम चलिए मुसद पे हम आते मुसद हैं। पे मुसद आते हैं। क्या मुसद क्या क्या सुनाएंगे क्या कुछ सुनाएंगे कश्मीरी में? कुछ कश्मीरी में? जी, ओके बेटा ओके सुनाइए। बेटा सुनाइए।
बिल्कुल खुदा थे ना आबाद सारनी, वेरी नाइस। आपको समझ आया ये क्या बोला इन्होंने? मुसद ने क्या बोला? नहीं समझा। बड़ी टिपिकल कश्मीरी में इन्होंने कहा कि जो हमारी लैंग्वेज है, कश्मीरी भाषा है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि हम कश्मीरी में ही बातचीत करते हैं, कश्मीरी में अपने जज्बात जाहिर करते हैं, तो हमें ये जो लैंग्वेज है इसको हमें प्रिजर्व करके रखना। वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू वेरी मच। मुसद आपके रूम में कोई और फोन तो नहीं चला रहा है? क्योंकि एको बहुत आ रहा है। मुझे अपनी आवाज नहीं दे रही है। प्लीज आप अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लो बेटा, क्योंकि लुनाशा की आवाज बिल्कुल ठीक है। किसी ने लिखा है ट्रांसलेटेड प्लीज, ट्रांसलेट मैंने कर दिया है। जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो आपको समझ आएगा। पता नहीं क्यों फिर, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो वैसा ही है। एक सेकंड, मैं ये जरा अभी आ रही है। आप लोगों के पास हेडफोन? मुसद आपके पास हेडफोन है? जी दीदा, जी दीदा हेडफोन लगाया हेडफोन? हाँ, मेरी आवाज भी एक आ रही है, पता नहीं कैसे। ओके टेक्नोलॉजी है, ये हमें कभी कभी फेल कर देती है। क्या करें, चंडीगढ़ में टेक्नोलॉजी सही है? दीदा, दीदा हाँ जी, आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? दे रहे हो बेटे, लेकिन अभी भी एको आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वक्त आ गया है कश्मीरी वोकैबुलरी क्विज का, ठीक है। मैंने आपसे कहा था हम छोटा सा क्विज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके तो ओके तो पहला मुझे आप बताओ, हाथ धोने को क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं वथराउन। नहीं, वथराउन हुआ पहुंचना, ठीक है, ठीक है। और छलुन बोलते हैं कश्मीरी पंडित, और कश्मीरी मुसलमान बोलते हैं अथपठराउन। सुना है, हाथ धोने को बोलते हैं, ठीक है। अथ छलुन है करेक्ट, अख्या। बर्ड्स को क्या बोलते हैं? नहीं, बर्ड्स को बोलते हैं वुडविंग जानवर, ठीक है। ओके, पिलो को क्या बोलते हैं? चांदगुन। मुसद पता था आपको चांदगुन? कोई बात नहीं, अब पता चल गया, ठीक है। पिलो को बोलते हैं चांदगुन। क्या बात है, लुनाशा को अच्छी कश्मीरी आती है, वेरी नाइस। क्या बात है, गुड गुड, ठीक है। तो सुनने वालों को बताऊं कि हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे अंत में, और वो हमें थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, कश्मीर की कहानी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जो कश्मीर है, कश्मीर में जो है बेगर्स नहीं होते थे,
ठीक है, ठीक है, बेगर्स जो बेगर्स भीख जो मांगने भीख वाले लोग मांगने होते वाले हैं। लोग होते हैं ना, हाँ वो तो वो बेगर्स तो नहीं होते बेगर्स थे, नहीं होते थे, लेकिन वहां लेकिन एक वहां लोग एक आते थे, लोग आते उनको थे, कहते थे उनको हम कहते थे दर्द, हम दर्द, ठीक है, दर्द ठीक है, बोलते थे दर्द वो, बोलते थे, गुरेज वो गुरेज दर्दिस्तान के दर्दिस्तान लोग थे। के लोग थे, वो उनका वो काम उनका होता काम था, होता था, वो कश्मीर के वो बाहर कश्मीर से के आते बाहर थे, से आते थे, और उनका और काम उनका होता था काम होता जैसे था, ये जैसे ये चाकू छुरियां चाकू होती है ना, छुरियां होती है उसको ना, तेज उसको करते तेज थे, करते थे, छोटी बहुत छोटी मजदूरी बहुत करते मजदूरी थे, करते थे, और जो और है जो ये है हरिसा ये बनता है ना हरिसा बनता कश्मीर है ना में, कश्मीर में, घी हरिसा, तो उसको हरिसा, तो बीट उसको बीट बीट करते बीट थे, करते थे, उसको बीट उसको करने में बीट बहुत करने में मेहनत बहुत लगती है, मेहनत लगती है, तो उसमें ये जो तो उसमें दर्द ये जो लोग दर्द हैं लोग ये हैं उसमें ये उसमें वो भी वो करते भी थे, करते ठीक थे, है। ठीक है। और एक और और चीज ये एक और करते चीज ये थे, करते थे, ये शाम ये को शाम को सात आठ सात बजे के आठ बाद बजे के बाद घरों में आते घरों थे, में सब आते घरों थे, में, सब घरों में, कश्मीरी पंडित कश्मीरी घरों में, पंडित घरों मुसलमान में, घरों में, मुसलमान घरों में, और बोलते और थे डेड बोलते थे सबो, डेड सबो, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, डेड सबो, डेड सबो, डेड सबो, उसका 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 डेड उसका डेड सबो सबो खानदारो, ऐसे खानदारो, बोलते थे, ऐसे बोलते उसका थे, मतलब उसका होता मतलब था होता कि था हमें कि खाना हमें दे दो, खाना दे दो, तो ऐसे ही तो आवाज ऐसे ही करते थे आवाज करते डेड थे, डेड सबो सबो खानदारो, फिर जो खानदारो, घर की फिर जो कोई घर बड़ी की कोई औरत बड़ी होती थी औरत होती थी, वो बाहर वो आके बाहर इनको आके इनको खाना खाना देती थी, देती थी, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, गरीब क्योंकि ये लोग थे। गरीब लोग थे, तो कहने का तो मतलब कहने ये का है मतलब कि ये है कि बेटा आप बेटा दोनों आप अपनी दोनों माइक अपनी म्यूट माइक कर दो, म्यूट कर दो, आप दोनों आप अपनी दोनों माइक जो अपनी है माइक जो है म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे लगता ठीक है, है अभी मुझे भी लगता कोई है अभी फर्क भी नहीं कोई पड़ फर्क रहा, नहीं पड़ रहा, इट्स ऑल राइट, नो इट्स ऑल प्रॉब्लम। राइट, नो प्रॉब्लम। हाँ तो हाँ आपको तो मैं आपको सुनाती मैं हूँ सुनाती स्टोरी, हूँ स्टोरी, तो तो कहने का जो मतलब है, अब आपके अब घर आपके में घर अगर में आपके पास अगर आपके ज्यादा पास कुछ ज्यादा है कुछ है और आपसे और जो आपसे लोग जो हैं लोग हैं जिनका आपसे जिनका जितना आपके गुजारा जितना नहीं गुजारा है, नहीं है, आपसे गरीब आपसे हैं, गरीब है, उनको हमेशा उनको हेल्प हमेशा करनी हेल्प चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है, चाहे ठीक आप है, उनको चाहे आप खाना उनको दे दो, खाना दे तेल दो, दे दो, तेल दे कपड़े दो, दे दो कपड़े यूज दे किए दो हुए, यूज किए हुए, तो ये हमारे तो ये कश्मीर हमारे में कश्मीर में ट्रेडिशन एक होता था। ट्रेडिशन होता था। जैसे मैं एक जी क्लास दीदो पास जी की दीदो करती हूँ, जैसे मैंने अभी थर्ड क्लास पास की, तो मैं जो बुक्स मेरे पास रह जाती है तो मैं दान दे देती हूँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, ताकि जिन्हें जिनको पढ़ना है वो पढ़ सके। वेरी गुड, वेरी बहुत गुड, अच्छी बहुत आदत है। अच्छी आदत एक और है, चीज एक है, और चीज मुझे नहीं है, पता आप मुझे नहीं लोगों ने पता आप सुना लोगों है, ने सुना है, हून मेट हून सुना है, मेट हून सुना है, मेट, हून मेट, नहीं, नहीं, ओके, जो ओके, कश्मीरी जो पंडित कश्मीरी हैं, पंडित हैं, पहले तो हम पहले तो सारे हम जो सारे कश्मीरी जो हैं कश्मीरी पंडित हैं मुसलमान, पंडित मुसलमान, हम लोग हम राइस लोग बहुत राइस खाते हैं, बहुत खाते हैं, राइस ही खाते राइस ही हैं, खाते हैं, है ना, तो जो तो कश्मीरी जो पंडित कश्मीरी हैं पंडित वो हैं थोड़ा वो सा थोड़ा राइस सा उठा राइस के उठा ऐसे के हाथ में ऐसे रखे, हाथ में इसको रखे, बोलते इसको हैं हून बोलते मेट, हैं हून मेट, यानी कि हूँ यानी मेट, कि ऐसे हम हाँ व्रत में करते हैं, व्रत में भी व्रत करते, में भी व्रत में करते तो हैं, व्रत करते में ही तो करते करते ही हैं, करते वैसे हैं, रोज भी वैसे करना रोज भी चाहिए, करना ठीक है, चाहिए, ठीक तो है, उसका तो मतलब उसका होता है मतलब होता कि है अपन कि खुद अपन खाने खुद से खाने पहले से पहले हम हम थोड़ा सा थोड़ा राइस सा उठा के राइस उठा के फिर हम वो फिर बाद हम में वो बाद डॉग में को दे देते डॉग हैं, को दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन कश्मीरी कश्मीरी मुसलमान भी करते मुसलमान भी हैं, करते हैं, लेकिन वो क्या लेकिन करते वो हैं, क्या करते जो हैं, जो घर का उनका घर का बड़ा उनका होता है, बड़ा होता है, कोई लेडी कोई होती लेडी है होती या है जो या आदमी जो होते हैं आदमी घर होते के, हैं घर जो के, बड़े जो आदमी बड़े होते हैं, आदमी होते हैं, तो एक तो सेकंड, एक सेकंड, हाँ तो क्या करते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, उसके बाद उसके वो बाद वो आखिर तक वो हून आखिर मेट तक वो रखते हून हैं मेट रखते और हैं वो भी और फिर वो भी फिर डॉग को ही देते डॉग हैं, को ही देते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, कुछ तो ये चीजें कुछ हैं, कुछ चीजें हैं, हैबिट्स कुछ हैं हैबिट्स हमारी हैं हमारी जो जो हमारी हमारी कल्चर और ट्रेडिशन कल्चर और का ट्रेडिशन हिस्सा का है, हिस्सा और है, कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान और जो मुसलमान और कश्मीर जो पंडित कश्मीर हैं पंडित उनमें हैं ये बहुत उनमें ये कॉमन बहुत है, कॉमन है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे भी तो आपको मुझे एक भी आपको छोटी सी एक स्टोरी छोटी सी सुनानी स्टोरी होती है सुनानी होती कश्मीर है के बारे में, कश्मीर तो के आज बारे में, हमने तो आज सीखा हमने दर्द सीखा लोगों के दर्द बारे में लोगों के और बारे खून में मेट और के बारे खून में, मेट के बारे में, ठीक है, ठीक है, जी हाँ, मैं ये मैं ये फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, एनीवे एनीवे चलिए, ठीक है, वक्त चलिए, आ ठीक है, गया है वक्त आ हमारे गया है गेस्ट को हमारे बुलाने का, गेस्ट को बुलाने का, ठीक है, ठीक तो है, अगर तो आपने अगर पहले के आपने पहले एपिसोड के देखे एपिसोड हैं तो देखे हैं आपने तो इनको आपने पहले इनको देखा पहले होगा, देखा होगा, इनका नाम इनका है नीरू नाम है रैना, नीरू रैना, ये भी ये चंडीगढ़ भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पढ़ते में हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छा बहुत गाना अच्छा गाते गाना हैं, गाते हैं, ठीक है, तो ठीक मैं है, इनको तो मैं ऐड इनको करती ऐड हूँ, करती हूँ, देखती हूँ आज देखती हूँ हमको ये आज कुछ हमको ये सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो जी, चलो हमने जी, हमने नीरू को रिक्वेस्ट मीरू भेज को दी है, रिक्वेस्ट भेज दी है,
नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो, दे हेलो टू भैया, मेरे को हेलो करो। हेलो हेलो, आने वाले आने वक्त में वाले जो ये वक्त भैया है में जो ये ना, भैया है ना, तुमको बड़े तुमको पर्दे बड़े पर ही पर्दे नजर पर ही आएंगे। नजर आएंगे। ये बहुत अच्छा बहुत गाते अच्छा हैं, गाते हैं, पर्सनली मुझे पर्सनली बहुत मुझे पसंद है। बहुत पसंद है। ठीक है, मीरू ठीक है, क्या मीरू सुनाओगे? क्या सुनाओगे? एग्जाम है शो का नाम, कश्मीरी में है तो कश्मीरी सॉन्ग। आई होप सबको अच्छा लगे। सबको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा जरूर लगेगा। अच्छा प्लीज लगेगा, स्टार्ट। प्लीज स्टार्ट। माई चांद रो रात दो करियो नूर बोलो साई चांद रो रात दो करियो नूर बोलो बाय बाय।